सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद से बीएड के अभ्यर्थी जो 1 to 5 के लिए फॉर्म फिल किए थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रिजल्ट पर भी संशय है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो अभ्यर्थी लोग अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुक कर गए, क्योंकि परीक्षा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितनी राहत मिलेगी आप सुनिए। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपांकर गौरव, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या कुछ हुआ है पहले सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश, जिसमें बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक यानी 1 to 5 में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं माना है, इससे पूरे देश के बीएड धारियों के बीच में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार के संदर्भ में सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय ये है, क्योंकि 30 अप्रैल 2023 को बीपीएससी ने 1,70,000 पदों पर वैकेंसी मांगा था, जिसमें 80,000 प्राइमरी के भी पद आए थे। उस 80,000 पद के विरुद्ध 3,90,000 बीएड धारियों ने भी अप्लाई किया था, जिनका परीक्षा फल अभी आना बाकी है। अब बीच में 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, जिसमें बीएड को 1 to 5 से बाहर इनएलिजिबल घोषित किया जाता है। यह मामला राजस्थान सरकार बनाम देवेश कुमार के वाद में आता है। इसके बाद इसका फलाफल पूरे देश के बीएड योग्यताधारियों के बीच एक अजीब सी स्थिति, एक अजीब सा माहौल उत्पन्न हो जाता है। तो बिहार के अभ्यर्थियों को निराश होने की बात नहीं है, उनके साथ ऐसा नहीं है कि उनकी सारी संभावनाएं वो समाप्त हो गई है। अभी भी बहुत से डिसीजंस ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें यह बात किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है। कहने का मतलब प्रोस्पेक्टिव की जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यदि 11 अगस्त 2023 को हुआ, उसके बाद से वो डिसीजन पूरे देश में वो लागू होगा। तो बिहार के अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपनी याचिका को लेकर के गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी पिटीशन में इस बात को कहा है कि चूंकि एनसीटी के ही गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों ने बीएड किया था, और अब जबकि हमारी वैकेंसी 11 अगस्त 2023 मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के दिन के पहले की है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसी स्थिति में जो बीएड योग्यताधारी स्टूडेंट्स हैं उनको बीपीएससी टीआरई में एलिजिबल घोषित किया जाए और उनका परीक्षा फल घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत से वर्डिक्ट हैं, ऐसे बहुत से निर्णय हैं, जिसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जिस दिन सुनाया गया उसके बाद का होता है। तो बीएड के अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन कहीं लागू नहीं होता है। मजबूती से हम लोग अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। सारे लोगों को, बीएड के अभ्यर्थियों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब हैं, एकजुट हैं, और हम लोग माननीय एपेक्स कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर चुके हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग के फेवर में यही डिसीजन आएगा, और बीएड के जो लोग हैं वो बीपीएससी टीआरई के फलस्वरूप टीचर बनेंगे, क्योंकि उनकी वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले की है। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं इन लोगों को जो बीएड के अभ्यर्थी है परेशान है, उन्हें राहत भरी खबर है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकता है। जिन्हें लगता है कि वो इस बार परीक्षा से बाहर हो गए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर भी आ सकती है। इसीलिए जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका मैसेज आया है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो उन्होंने बताया भी है, और जो फिलहाल राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इस बार वो टीचर बन पाते या नहीं, लेकिन जिस तरह से असमंजस की स्थिति थी, उस असमंजस की स्थिति में कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी खुशी का माहौल दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रहे कसे सुन के साथ पटना संकेता सिंह की रिपोर्ट।